आज मैं आपको परवल की मिठाई बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सारे परवलों को छील लिया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसे छीलकर मैंने इसके अंदर के बीज निकाल लिए हैं। परवल को कट कर लिया करेंगे और परवलों को निकाल लेंगे। आधा कप चीनी, आधा कप दूध,
गया, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ करूंगी। जब तक खोया ठंडा होता है मैं थोड़े से बादाम को काट लेती हूँ। ये देखिए खोया ठंडा हो गया है, देखिए कितना अच्छा खोया बना है, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा। थोड़े से इलायची दरदरे, थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड करूंगी, इन सबको मिक्स कर लेना। अब मैं आपको परवलों की स्टफिंग करके बताती हूँ। देखिए मैं आपको परवलों में स्टफिंग को भर के दिखाती हूँ। इस तरह से स्टफिंग को कर लें और ऐसे रखकर चम्मच से भी भर सकते हो, मगर इस तरह से इजी हो जाता है। आप उबालते वक्त परवलों में हल्का सा ग्रीन फ्रूट कलर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने वो ऐड नहीं किया है, आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे परवलों की फिलिंग कर ली है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम लगाऊंगी। ये देखिए मार्केट की महंगी मिठाई कितनी इजी ट्रिक से बनी है। ये देखिए मैंने इस पर सिल्वर वर्क लगा दिया है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। अभी रक्षाबंधन आने वाली है, दीपावली, होली, आप किसी भी त्योहार पे ये मिठाई आसानी से घर पे बना सकते हैं। मैंने इसकी सारी विधि आपको बता दी है, तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज मुझे कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप एक बार इस ट्रिक से जरूर बनाएं इसे। और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड को भी कहें।